कोरोना पर वैक्सीन नहीं अब मास्क ही वैक्सीन है। इसे ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी रविंद्र ठाकरे ने जिले के सभी नगर परिषद को एक दिन में 1,00,000 रुपए वसूली का टारगेट दिया। वाड़ी नगर परिषद ने एक ही दिन में 50,000 रुपए तक की वसूली का टारगेट किया है। टारगेट पूरा करने के लिए कर्मचारी जमकर मास्क कार्रवाई वसूलों पर लगे हैं। टारगेट के चक्कर में कर्मचारी अपनी जान खतरे में डालकर वसूली कर रहे हैं। गुरुवार और शुक्रवार को वाड़ी नप को 1,00,000 रुपए मास्क कार्रवाई का टारगेट दिया। गुरुवार को वाड़ी पुलिस स्टेशन के सामने कार्रवाई के दरमियान एक ट्रक चालक व क्लीनर ने मास्क नहीं पहना था। चालक को दमकल के कर्मचारी प्रफुल्ल वानखेड़े ने उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन चालक ने गाड़ी नहीं रोकने से नप कर्मचारी ने चलते वाहन में ही लटक गया। 1 किलोमीटर तक वाहन भगाकर ले गया, फिर चालक ने वाहन को रोक दिया। यदि वाहन चालक तेज रफ्तार से वाहन भगा लेता तो कर्मचारी की जान को खतरा पैदा हो जाता। मास कार्रवाई की वसूली में नप कर्मचारी अपनी जान को हथेली पर रखकर कार्रवाई कर रहे हैं। सख्ती से हो रही कार्रवाई से वाहन चालक व आवागमन करने वाले लोग भी परेशान है। ना ही वाड़ी नगर परिषद कर्मचारियों के पास कोई प्रॉपर यूनिफॉर्म है। बीच सड़क पर कर्मचारी खड़े होने पर आवागमन करने वाले भयभीत हो जाते हैं, जिससे दुर्घटना भी हो सकती है। जिलाधिकारी के इस आदेश से कर्मचारी भी परेशान हो रहे हैं। कार्रवाई होना आवश्यक है, लेकिन टारगेट देकर कार्रवाई करना व लोगों को परेशान करना यह ठीक नहीं है। वाड़ी नगर परिषद में दमकल विभाग है। आवश्यक घटनाएं व आगजनी होने पर ही इन कर्मचारियों को दौड़ना पड़ता है। इन कर्मचारियों को कब किस वक्त भागना पड़ेगा यह बताना मुश्किल है, लेकिन नगर परिषद मुख्याधिकारी ने दमकल के कर्मियों को भी मास्क वसूली में लगा दिया। यदि कोई आगजनी व दुर्घटना होती है तो इन कर्मचारियों को घटनास्थल पर पहुंचने में देरी होगी। दमकल के कर्मियों को रिक्त ही रखना आवश्यक है। अमरावती राजमार्ग से मिनटों में सैकड़ों वाहनों का आवागमन होता है। ऐसे में बीच सड़क पर ही मास्क की कार्रवाई की गई तो यातायात ठप हो रहा है। जरूरी काम के लिए जाने वालों को जाम में फंसना पड़ रहा है। राजमार्ग पर कार्रवाई करना ही गलत है। जिलाधिकारी ने वसूली का टारगेट देने से जिले के सभी कर्मचारी परेशान हुए हैं। इस संदर्भ में जिलाधिकारी रविंद्र ठाकरे से फोन पर संपर्क किया तो फोन रिसीव नहीं किया। वाड़ी से सौरभ पाटिल की रिपोर्ट, INBCN न्यूज़, नागपुर।